ने तस्कीर किला बनाया, एटमी कुवत बनाई, सड़कों का जाल बिछाया, और उनके जाने के बाद जो इस पाकिस्तान का हशर हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा है। और मैं पाकिस्तानी आवाम से अपील करता हूँ कि आज खुल के बाहर निकलें, और आज का दिन पाकिस्तान के लिए एक तारीखी दिन है। इंशाल्लाह इस मुल्क में जो अंधेरे और जो बेरोजगारी, इंशाल्लाह उसका सिलसिला अब ख़त्म होने जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद। रहमान रहीम, मेरा नाम मलिक अब्दुलरहमान अवान एडवोकेट है जी, और यूसी 230 और 231 से बिलोंग करता हूँ, और 160 जो है वो पीपी से बिलोंग करता हूँ। मलिक असद साहब का सिपाही हूँ, और आज जो है वो नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए असद अली खोखर साहब के ऑर्डर के मुताबिक जो है हम एक पूरी भरपूर गैदरिंग से जा रहे हैं जी, और उनका इंशाल्लाह अच्छे तरीके से इस्तकबाल करेंगे। और ये जो हज़ारों की गैदरिंग है यहाँ पे इकट्ठी हो रही है, ये हर दोस्त अपनी अपनी पूरी काविश जो है वो कर रहा है, और दोस्त जो है शौक़ और ज़ौक के साथ जो है वो जा रहे हैं वहाँ पे, और इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से मलिक असद अली की नुमाइंदगी में इंशाल्लाह भरपूर तरीके से हम जो है इस्तकबाल करेंगे। नवाज शरीफ जिंदाबाद। एक दफ़ा फिर शेर, मलिक असद अली खोखर जिंदाबाद, ऑलवेज जिंदाबाद।